गेट अ फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम इसरो। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यस, आपने सही सुना, आप इसरो से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हो, इसरो के थ्रू एंड सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इसरो ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि आप कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हो इसरो से, जो कि आपकी लिंक्डइन और रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ाएगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अप्लाइंग वी विल सी इन दिस वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। गूगल ने फर्स्ट टाइम गूगल स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। ऑल दो उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, बट मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बार उस फॉर्म को ओपन करके देख लीजिएगा। अगर वो फॉर्म खुला हुआ हो तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा, अदरवाइज बेटर लक, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर ले आऊंगी। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि गूगल क्लाउड आर्किट फैसिलिटेटर प्रोग्राम अभी ऑन गोइंग है और उसके रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुके हैं। उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई थी जिसमें मैंने आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए थे, लाइक आप कैसे गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट स्वैक्स ले सकते हो, क्या प्रोसेस रहती है, जितने भी बिगनर से रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए थे। तो आपने सही सुना, आप गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्वैग से ले सकते हो गूगल के। क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या करना होता है, कंप्लीट चीज़ें मैं वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप वो वाली प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में भी दे दूंगी। तो इस वीडियो के बाद आप उसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट्स चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये हम लोग इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकेडमिक कोर्सेज, यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप इसरो में कभी भी इंटर्नशिप या कोर्सेज या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो उसके बाद आप बाकी की जो एलिजिबिलिटीज है वो आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे। तो हमारा जो पहला कोर्स है वो है एडवांस इमेज एनालिसिस फॉर जियो स्पाशियल प्रोफेशनल्स, जो कि आपका डिजिटल इमेज एनालिसिस डिसिप्लिन के अंडर आता है। इसकी स्टार्ट डेट है 22nd of August एंड इसकी एंडिंग डेट है 22nd of August, मीन्स ये आपका वन डे का कोर्स होने वाला है। आप इसको एक ही दिन में कंप्लीट करके एक ही दिन में इसरो का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी 21st of August एंड इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मोर इन्फो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ से आप अप्लाई पर टैप करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले सारे कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको एक कोर्स में मैं अप्लाई करके दिखा दूंगी कि इसमें अप्लाई प्रोसेस क्या होता है। उसी तरह से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उन कोर्सेज में आप अप्लाई कर लीजिएगा, सभी की अप्लाई प्रोसेस सेम होती है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा रिमोट सेंसिंग एंड न्यूमेरिकल ओशियन मॉडलिंग फॉर ओशियनिक प्रोसेसेस, ये आपका थीमेटिक एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक साइंस डिसिप्लिन के अंडर आता है। इसकी स्टार्ट डेट है आपकी 25th of August एंड एंडिंग डेट है आपकी 29th of August। तो ये आपका 4 to 5 days का कोर्स होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी 24th of August। इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मोर इन्फो पर जाके देख सकते हैं और अप्लाई पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मोर इन्फो पर जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस, ये आपका डिजिटल इमेज एनालिसिस डिसिप्लिन के अंडर आता है। इसकी स्टार्ट डेट है 25th of August, एंडिंग डेट है इसकी 19th of September। तो ये आपका काफी लॉन्ग कोर्स होने वाला है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 24th of August है। देन हमारा नेक्स्ट कोर्स है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS डिसिप्लिन के अंडर आता है। इसकी भी स्टार्ट डेट है आपकी 25th of August, एंडिंग डेट है आपकी 25th of November एंड इसकी भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी है 24th of August। देन हमारा नेक्स्ट है मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू स्पेस, तो ये आपका आता है ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग के अंदर एंड इसकी स्टार्ट डेट है आपकी 2nd September, एंडिंग डेट है 2nd September। तो यस, ये भी आपका वन डे का कोर्स होने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आपकी 1st September। देन हमारा नेक्स्ट कोर्स है एडवांसेस इन थर्मल इंफ्रारेड RS फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज, ये हमारा आता है थीमेटिक एप्लीकेशन इकोलॉजी डिसिप्लिन के अंडर।
इसकी स्टार्ट डेट है आपकी 4th of September, एंडिंग डेट है 4th of September, ये भी आपका 1 डे का कोर्स होने वाला है। फाइनली हमारा जो लास्ट कोर्स है वो है आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS प्रौद्योगिकी के बुनियादी सिद्धांत। तो हाँ, ये आपका हिंदी में होने वाला है इसलिए इसका हिंदी नेम है। ये आपका आएगा स्पेस डिसिप्लिन के अंडर। इसकी स्टार्ट डेट है आपकी 8th of September, एंडिंग डेट है आपकी 19th of September, इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7th September, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि आपका हिंदी में होने वाला है। मोर इन्फो पर जाकर सभी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक करके आप किसी में भी जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इसी तरह की काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आती रहती हूँ जिसमें मैं आपको फ्री कोर्सेज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके करियर में हेल्पफुल होती हैं, वो सारी चीजें मैं अपने चैनल पर कवर करती हूँ। तो आपको मेरा कॉन्टेंट अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बैचमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इन अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें। सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। Also subscribe to my channel as well as press the bell icon so आप कोई भी further opportunity miss ना करो। तो मैं apply कर रही हूँ advanced image analysis for GIS partial professionals में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको apply पर click करना है। तो आपका कुछ ऐसा interface open होकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके दो तरह के यूजर्स होंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं और दूसरे होंगे जो कि इस पे पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपको फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है, आपका फुल नेम फिल करना है, आपको आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है, आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, उसको रीटाइप करना है और कैप्चा एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप सेकंड टाइप के यूजर हैं जो कि इस पर लॉगिन कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। आपको आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है और आपका पासवर्ड फिल करना है, देन आपको दिया हुआ कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कोर्सेज ओपन होंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। उसमें से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। देन यहाँ पे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे भी आपके दो टाइप के मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो आप इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हो या सेकेंड ऑप्शन आप रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इसरो नोडल सेंटर के अंडर रजिस्टर्ड है तो आप उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस कोर्स में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज करके नीचे ड्रॉप डाउन करके अपने इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिएगा। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो वहाँ पे आपका नाम शो होने लग जाएगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। आपको बेसिक नॉलेज है इस पर तो आप यहाँ पे एन ए सेलेक्ट कर लेना। एंड हाउ द कोर्स कॉन्टेंट ऑफ दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर योर प्रोफेशनल करियर, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख दीजिएगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, आपका कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी है और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है अगेन। देन यहाँ पे आपको आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स आपको देनी है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फॉरेन स्टूडेंट हो जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। देन आपको आपकी क्वालिफिकेशन चूज करनी है, आप यूजी में हो, पीजी में हो, पीएचडी या अदर कोई भी करो आप वो सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है। देन नेक्स्ट आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है आपका। आप कुछ भी दे सकते हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी चीज़ जो कि ये प्रूफ कर दे कि आप इंडियन सिटीजन हो, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जिसके मैंने आपको बताया था इसरो के किसी भी कोर्स या इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप वो चूज कर लेना, उसकी फोटो अपलोड कर देना, उसका नंबर डाल देना, देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आप सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब सारी डिटेल्स आप चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उन कोर्सेज में अप्लाई कर लीजिएगा।
फर्दर डिटेल्स जो है आपके कोर्स से रिलेटेड वो आपके उसी मेल पर आ जाएंगे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इसरो के फ्री कोर्सेज। ऑल द बेस्ट, एंड अगर कैसी भी किसी भी तरह की नॉलेज मिलती है, हेल्पफुल होती है मेरी वीडियोस आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई कर पाएँ और ये चांस बिल्कुल भी मिस ना करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग।